मुराई की टाकी और साइड पैनल और वाइजर और मडगार्ड सब और इंजन गार्ड पूरा बदल के पूरी बाइक हरी से हम कर देंगे, कम कर दिया। अब इसे पूरा जीरो पे लेके न्यूट्रल करके फिर खींचेंगे। ओके अब हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, होप यू डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज आप इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हाउ टू इंक्रीज टू स्ट्रोक बाइक पावर। ओके, तो यहाँ पे पब्लिक रिएक्शन मिलता हुआ बहुत ही खतरनाक। तो चलिए पहले हम लेते हैं यू टर्न, क्योंकि अभी मिरर निकाल दिए हैं तो पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हाउ टू इंक्रीज टू स्ट्रोक बाइक पावर। तो देखिए, टू स्ट्रोक की जो पावर है वो ख़तरनाक होती है। जैसा कि आपने इससे पहले वाले वीडियो में देख लिया होगा कि अपनी शोगन की जो पावर है किस तरीके से एक 100 cc बाइक होने के बावजूद अच्छी अच्छी बाइक को पीछे छोड़ देती है साउंड और स्पीड के मामले में। बहुत ही खतरनाक पावर होती है टू स्ट्रोक बाइक इंजन में। तो फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं टू स्ट्रोक बाइक की पावर किस तरह से बढ़ा जाएगी। तो देखिए, टू स्ट्रोक बाइक की पावर बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे आम तरीका है एक एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट की बात करें तो कंपनी का एक एग्जॉस्ट आता है और आता है एक चेंबर। तो चेंबर लगता है टू स्ट्रोक बाइक के लिए और बाकी फोर स्ट्रोक के लिए कुछ अलग से मफलर आते हैं या एग्जॉस्ट आते हैं। और चेंबर जो आता है टू स्ट्रोक बाइक के लिए ख़ास बनता है। जिस तरह से हमारे बाइक में अभी पावर चेंबर है, जिसकी वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हो कि हमने किस तरह कैसे पावर चेंबर लगाया है और किस तरह से साउंड करता है अपना चेंबर। तो बात करते हैं किस तरह से पावर बढ़ाई जाए टू स्ट्रोक बाइक की। तो पहला नंबर पे आता है आपका एग्जॉस्ट, यानी अपना एग्जॉस्ट चेंज करने से भी टू स्ट्रोक बाइक की BHP बढ़ जाती है। ओके, पहले नंबर पे आता है एग्जॉस्ट, जिस तरह से हमने बदल दिया एग्जॉस्ट। फिर दूसरे नंबर पे आता है इस बाइक के, अब लेते हैं क्विक टोटल। क्विक टोटल से भी बाइक की परफॉर्मेंस में और पावर में फ़र्क पड़ता है। ये हो गया दो नंबर। अब तीसरा नंबर पर आता है बाइक की, बाइक को जो करते हैं पोर्टिंग। पोर्टिंग करने से भी बाइक की जो है यहाँ पे पब्लिक रिएक्शन मिलता हुआ ज़बरदस्त। फिर से तीसरे नंबर पे हम बात कर रहे हैं बाइक की, करते हैं पोर्टिंग। और पोर्टिंग करने से भी, पोर्टिंग मतलब जो बाइक की सिलेंडर किट होता है या सिलेंडर बोलिए ब्लॉक पिस्टन होता है, उसमें जो है जहाँ से एयर और फ्यूल जाता है उन जो होल होते हैं उस होलों को बड़ा किया जाता है, जिससे बाइक की जो है पावर में फ़र्क पड़ता है और बहुत ही अच्छा फ़र्क पड़ता है। कम से कम 5-6 BHP ऐसे ही बढ़ जाती है। तो ये तीसरे नंबर पे एक होता है कि बाइक की पोर्टिंग की जाती है, जिससे बाइक की पावर एक बढ़ती है। और बहुत सारी चीज़ें, आप कार्बोरेटर बदलो, कार्बोरेटर बदलने से भी पोर्टिंग आप ज़्यादा करते हो तो आपको स्टॉक वाला कार्बोरेटर नहीं चलता है, आपको बड़ा वाला कार्बोरेटर लगाना पड़ता है पोर्टिंग करने के बाद। उसके बाद चार नंबर पर आता है रीड वेल्व। तो फ्रेंड, जो कंपनी का रीड वेल्व आता है वो कुछ दो होलों का आता है और जो पावर बढ़ाने के लिए रीड वेल्व आता है वो चार होलों का आता है। अभी स्क्रीन के ऊपर मैं आपको फ़ोटो दिखा दूंगा। तो ये रीड वेल्व लगाने से भी बाइक की पावर बढ़ जाती है, मगर ये कॉस्टली होता है, बहुत ज़्यादा महंगा होता है, इसलिए ज़्यादा कोई नहीं यूज़ करता है। तो
तो चौथे नंबर पे यह रीड वेल हो गया, और पांचवे नंबर पे आता है अपनी बाइक में आप कौन से कंपनी का पिस्टन यूज़ करते हो, उसके ऊपर भी आपके बाइक की पावर फ़र्क पड़ता है। तो जब भी आप पिस्टन लो तो एक जानी मानी कंपनी का यूज़ करो जो ज़्यादा फेमस है। तो फ्रेंड चलिए आप इंजॉय कीजिए इसके साउंड को, आपको बता दिया मैंने किस तरह से बाइक की पावर बढ़ाते हैं, आप देखिए अपनी बाइक किस तरह से भागती है। ओके तो मैं अब इसके गियर कम कर देता हूँ, ये कम कर दिया, फिर से कम कर दिया, अब इसे पूरा ज़ीरो पे लेके न्यूट्रल करके फिर खींचेंगे। ओके अब बाइक हो गई न्यूट्रल, पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर, यार ये स्पीडोमीटर लॉक है यार, 100% कहता हूँ स्पीडोमीटर लॉक है 100 के ऊपर, यार 200% हुई है, 200% मैं बोलूँगा कि स्पीडोमीटर लॉक है 100 के ऊपर, क्योंकि जिस तरह से बाइक खींच रही है मेरे हिसाब से 120 तो आराम से जाना चाहिए, मगर स्पीडोमीटर लॉक होने की वजह से बाइक 100 के ऊपर नहीं जाती है ऐसा हमको लगता है, मगर जिस तरह से बाइक खींचती है आराम से 120 जाती है ऐसा मुझे लग रहा है। तो चलिए यही था इस वीडियो में, होप आप गाइस को पता चल गया होगा अपनी शोगन की पावर, और इसके बाद वाली वीडियो हम बनाएंगे इसके पार्ट्स चेंज करने पर, क्योंकि हम ब्लैक वाले पार्ट जो मैंने आपको इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था कि समुराई के टाकी और साइड पैनल और वाइज़र और मडगार्ड सब और इंजन गार्ड पूरा बदल के पूरी बाइक हरी से हम कर देंगे ब्लैक, तो अभी मजा आएगा ना वीडियो, तो आएगा मज़ा, ठीक है। तो हरी से आपको अब हमारी शोगन दिखने वाले ब्लैक फुल्ली स्टॉक बाइक। ओके तो चलिए आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय, स्टे ट्यून, पीस, साइनिंग ऑफ टू स्ट्रोक लवर 777 बाय।